हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो दोस्तों किस चीज का टॉपिक है, वो है हम राजस्थान जीके की पूरी हिस्ट्री। पूरी हिस्ट्री जो है हम पढ़ेंगे एक वीडियो में। अगर इसमें नहीं पूरी हो पाई, छोटा सा वीडियो बनेगा आधा घंटा या 40 मिनट का, तो एक पार्ट हम और लाएंगे, मैक्सिमम दो पार्ट में, यानी कि लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच में कंप्लीट राजस्थान हिस्ट्री को रिवीजन करेंगे। पूरी हिस्ट्री जो है, जो सीईटी के लिए, रीट के लिए या फिर अन्य किसी भी राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको रैपिडली रिवीजन करने के लिए ये एक अच्छा जो है आपको वीडियो हो सकता है उसके लिए। तो मैं जज करने वाला कौन होता हूँ, अच्छा है कि बुरा है, ये तो आप देख के बताएंगे कि कैसा वीडियो है। और मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा हर उस टॉपिक तक आपको टच करा पाऊं, और जब आप यहां से जाएंगे इसको देख के तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो आपके पास मैं सोच रहा हूं इतना तो टाइम होगा कि 40 मिनट का वीडियो देख ले, और अगर इतना भी टाइम नहीं है, अभी आप कुछ कर रहे हैं तो बाद में इस वीडियो को देख लेना, लेकिन देखना जरूर, आपको बाद में समझ में आएगा कि इस वीडियो में क्या था। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम जो है सबसे पहले हमारा जो किस प्रकार से पढ़ेंगे वो ओवरव्यू बता देता हूँ कि सबसे पहले हम प्रजामंडल आंदोलन कौन कौन से हुए थे उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर विभिन्न प्रकार के जो किसान आंदोलन है वो पढ़ेंगे, और इनमें जिन जिन व्यक्तियों के नाम आएंगे उनके बारे में जो महत्वपूर्ण सूचना होगी वो भी दे दी जाएगी। जैसे कि महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है आपके आते हैं ना इतिहास के अंदर, तो वो भी हम साथ में कवर करते जाएंगे। भाई जैसे हीरा लाल शास्त्री आ गया, माणिक्य लाल वर्मा आ गए, तो उनके इंपोर्टेंट पॉइंट साथ में कवर कर लेंगे, अलग से नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, और ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रजामंडल आंदोलन को स्टार्ट करेंगे। एक चीज है, मैं लिखूंगा नहीं, आप इसको जो है ध्यान से सुनना, और हो सके, एक बात मैं और बता देता हूँ, हो सकता है तो आप इसको जो है ईयरफोन लगा के 3 से 4 बार या 5 से 6 बार, जितनी बार हो सके इसको सुनना, और इसको जो है मैं लिखूंगा कम बोलूंगा ज्यादा। ठीक है, तो आप मेरे जो है बोलने, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोलूँ। ठीक है, लिखूंगा मैं बहुत ही कम चीजें, क्योंकि लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं भाई प्रजामंडल आंदोलन से, बहुत ही ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे हम, ऐसे नहीं है याद नहीं होंगे, बिल्कुल याद होंगे। यानी कि राजस्थान में जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुआ उस समय कौन कौन से प्रजामंडल आंदोलन हुए। अब प्रजामंडल आंदोलन के अंदर जो है हमें समीक्षा आती है उनकी स्थापना कब हुई, जो सन है वो याद रखने में डिफिकल्टीज होती है, तो मैं जो ट्रिक बताऊंगा बहुत ही आसानी से आप कभी नहीं भूलोगे, किसी का भी नहीं भूलोगे सन तो। ठीक है, उसके बाद हम संस्थापक कौन है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सोचिए, मैं जो लिख रहा हूं उसको सुनिए। जयपुर की बूंदी फेमस है। ठीक है, जयपुर की बूंदी, जोधपुरी कोट, ठीक है, बीकानेरी भुजिया, ध्यान से भाई सुनते जाना। जयपुर की बूंदी, जोधपुरी कोट और बीकानेरी भुजिया, सबको पता है बीकानेरी भुजिया फेमस है। जोधपुर की पोशाक कितनी फेमस है, देश और विदेश में भी फेमस है। ठीक है, जोधपुरी कोट और जयपुर की बूंदी, ये तीनों चीज फेमस है। ये पूरा अगर किसी को चाहिए, पूरा अगर किसी को चाहिए, जयपुर की बूंदी, जोधपुरी कोट, बीकानेरी भुजिया, पूरा मतलब ये तीनों चीजें अगर किसी को चाहिए, पूरा अगर किसी को चाहिए, तो वो कितने रुपए में मिलेगी भाई, 193 रुपए में। ऑफर चल रहा है कोई? ठीक है, 193 रुपए में आपको ये सारी चीजें मिल रही है, जयपुर की बूंदी, जोधपुरी कोट, बीकानेरी भुजिया, पूरा किसी को चाहिए 193 रुपए। सर ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 193 इनका कोड वर्ड है, यानी कि ये भी 193 रहेगा। हम याद कर रहे हैं सन, इनकी स्थापना कब हुई, 193 113 और 113। ठीक है, तो देखिए अब सुनिए, जयपुर का जयपुर हो गया, बूंदी का बूंदी हो गया, समझ पा रहे हैं, जोधपुर कोट कोटा हो गया, या हाड़ोती कह सकते हैं हम इसको, भाई कोटा हाड़ोती, ठीक है, तो इसको हाड़ोती। बीकानेरी, बीकानेर हो जाएगा पूरा, पूरा का मतलब आप जितने भी जिले हैं उनके पीछे, जिनके बीच में पूरा आता है वो सारे इसमें आ जाएंगे, भरतपुर, धौलपुर, उदयपुर, ठीक है, शाहपुरा, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। मैं लिख देता हूं, इसमें जयपुर होगा, इसमें बूंदी, इसमें जोधपुर, हाड़ोती, बीकानेर, पूरा में क्या होगा, जिसके बीच में, जैसे कि उदयपुर,
भरतपुर, धौलपुर, ठीक है, शाहपुरा, जिनके पीछे पुर आता है वो पूरा, और इसके अलावा अलवर और करौली, ये इसमें आ जाएंगे, अलवर और करौली याद रखें। किस है किशनगढ़, ठीक है, ठीक है, सीस है सिरोही, और ये हो जाएगा आपका कोटा, कोसे कोटा। अब आप कहेंगे कोटा यानी यहां पे हाड़ होती है, ठीक है। अब आपको सबको पहाड़ याद है, एक कम एक, दो दुनी चार, तीन दुनी छह, चार दुनी आठ, पांच दुनी दस। अब ये ऐसी क्वेश्चन होती है क्या? नहीं होती है। तो 10 की जगह आप क्या कर देंगे? 9। बताइए स्थापना याद हुई कि नहीं? जयपुर की बूंदी, जोधपुरी कोट, बीकानेरी भुजिया, पूरा किसी को चाहिए, 113 रुपए में मिल रहा है। सिंपल सा याद रखना है, इन सब की ट्रिक मैंने बता दी, इसमें तो कोई याद रखने की जरूरत नहीं, नाम साफ दिख रहे हैं, पूरा में जिसके पीछे पूरा आ रहा है, जयपुर सॉरी जयपुर नहीं, उदयपुर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर तो आ गया, शाहपुरा, अलवर और करौली, और इसमें किशनगढ़, सिरोही और कोटा आ गया। सन भी याद हो गई, बहुत आसान। अब इतनी थोड़ी, कुछ और भी है, तो उसके लिए अपना एक सूत्र है, कुछ बांस, कुछ बांस, कुछ बांस डूंगर पर जैसे झाला दे रहे थे। सर क्या ट्रिक बता रहे हैं? कुछ बांस डूंगर पर जैसे झाला दे रहे थे, क्या मतलब हुआ भाई? इसका क्या मतलब हुआ? कुछ बांस डूंगर पर जैसे झाला देना का मतलब समझते हैं? हमारे मारवाड़ी में जो लिफ्ट लेते हैं ना, उसको झाला देना कहते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बुलाते हैं किसी चीज को रोकने, लिफ्ट लेते हैं ना, उसको कहते हैं झाला देना। तो कुछ बांस डूंगर, डूंगर मतलब पहाड़, पहाड़ पर कुछ ऐसे बांस हैं जो मानो झाला दे रहे हैं, ठीक है, तो कुछ बांस डूंगर पर जैसे झाला दे रहे थे, सिंपल सी बात याद रखनी। अब कौन कौन से देखिए, कुशलगढ़, कुछ से कुशलगढ़, बांस से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सब लिखा हुआ भाई, प्रतापगढ़, जैसलमेर, झालावाड़, ये छह समझ आए? कुछ बांस डूंगर पर जैसे झाला दे रहे थे, इसका कोई मतलब नहीं, कुछ बांस डूंगर पर जैसे झाला दे रहे थे। अब देखिए कुशलगढ़, बांसवाड़ा, इन सब का कोड वर्ड जो है वो 194 रहने वाला है, इसका 193 था, तो इसका इन सब का कोड वर्ड जो है वो 194 रहने वाला है, 194। अब गिनती सबको आती है, गिनती लिख दीजिए, ध्यान रखना 5 को 2 बार लिखना, बाकी सारी गिनती लिख रहे हैं, ठीक है, 5 को 2 बार लिखना है, तो ये इनकी आसान होगी भाई। इससे आसान कुछ होगा क्या? अगर आपको मैं बता रहा हूं एक बार में याद नहीं हो रहा, आपने, हो सकता है आपने पहले हिस्ट्री को नहीं पढ़ा है, तो इस वीडियो को आप 3 बार देख लेना, 4 बार देख लेना, पक्का याद हो जाएगा गारंटी से। और बाकी ये वीडियो क्या है, ये आपको एग्जाम के बाद ही समझ में आएगा, ठीक है, पूरी हिस्ट्री का सार, और सार नहीं मैं तो कह रहा हूं, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है सीईटी में जितना पूछ सकता है सब कुछ यहां से आ जाएगा, ठीक है, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आ गए, सब याद हो गई। ओके, अब यहाँ पे इनके स्थापक कौन है, इनके बाद में पढ़ेंगे, पहले इनके पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, इनकी सन क्या है, यानी ये प्रजामंडल कब स्थापित हुआ और इसके संस्थापक कौन है। तो संस्थापक के अंदर सबसे पहले देखिए बांसवाड़ा, बांस कहां पर उगती है, भूमि पर, जमीन पर उगती है, भूमि पर उगती है, तो भू से भूमि, भू से भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ठीक है, बांस। अब इसके ऊपर वाला भी नाम भैसे होगा, इसके नीचे वाला भी भैसे होगा, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि किसी बच्चों को कंफ्यूज हो जाती है, तो भै भै वाले नाम, डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या, सबको पता है भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या को वागड़ के गांधी कहते हैं, भोगीलाल पांड्या को वागड़ के गांधी कहा जाता है, ठीक है। कुशलगढ़ में भंवरलाल निगम, भंवरलाल निगम, प्रतापगढ़ में अमृतलाल चुन्नीलाल, अमृतलाल चुन्नीलाल, जैसलमेर में मीठालाल व्यास, और झालावाड़ में मांगीलाल भव्य। इसके बारे में सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है, इनके सन कौन सी है, संस्थापक कौन से है, ठीक, इनके हम सन तो याद कर ली, लेकिन इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो भी हमको याद करनी पड़ेगी, कुछ डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, एक तो जयपुर को, एक जोधपुर को, और एक उदयपुर को, इनको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जयपुर को उठा लेते हैं,
जयपुर की स्थापना कब हुई ये मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सारी चीजें यहां पे बता दी। अब संस्थापक कौन है? पुर, जयपुर। पुर मतलब कर्पूर चंद पाटनी, कर्पूर चंद पाटी, ये इसके संस्थापक हैं। और इसके जो अध्यक्ष बने वो बने चिरंजी लाल मिश्रा, चिरंजी लाल मिश्रा। भाई देखिए राइटिंग समझ में नहीं आएगी क्योंकि लिखूंगा टाइम खराब हो जाएगा। चिरंजी लाल मिश्रा 1936-37 में इसको जो है पुनर्गठित किया। पुनर्गठित कब किया? 1936-37 में। ओके 1940 में इसके अध्यक्ष कौन बने? हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री 1940 में इसके बने अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री। अब ध्यान से सुनना, हीरालाल शास्त्री ने क्या किया, जयपुर के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल, मिर्जा इस्माइल, इनके बीच में एक संधि हुई और उस संधि का नाम था जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। और ये जेंटलमैन्स एग्रीमेंट में क्या था कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन होगा उसमें कोई भाग नहीं लेगा। क्या कह रहा हूं समझ पा रहा है? 1940 में हीरालाल शास्त्री को इसका अध्यक्ष बनाया गया। उसने, हीरालाल शास्त्री ने क्या किया, जो जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल है उसके साथ में एक संधि की, तो संधि का नाम था जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। और संधि की शर्त क्या थी कि जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन होगा उसमें जयपुर का कोई भी व्यक्ति भाग नहीं लेगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसके विद्रोह में एक अलग ही मोर्चा आ गया, आजाद मोर्चा, आजाद मोर्चे का गठन हो गया जिसका नेतृत्व तो कर रहे थे बाबा हरिश्चंद्र, बाबा हरिश्चंद्र। सिंपल सी, इतना सा आपको याद रखना है जयपुर प्रजामंडल के अंदर, इससे ज्यादा याद नहीं रखना। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, मेवाड़ प्रजामंडल। एक चीज ध्यान रखना, मेवाड़ लिखा हो उदयपुर लिखा हो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्थापना वर्ष पता है, संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा जो है इन्होंने इसकी स्थापना की। इसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, दो चीज याद होगी। 1941 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ, प्रथम अधिवेशन हुआ इसका 1941 में। अब महत्वपूर्ण व्यक्ति के अंदर, माणिक्यलाल वर्मा के अंदर इन्होंने अजमेर में मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक एक पुस्तक लिखी और पंछीड़ा नामक गीत लिखा। इन्होंने क्या लिखा भाई? मेवाड़ में वर्तमान शासन नामक पुस्तक और पंछीड़ा नामक गीत लिखा माणिक्यलाल वर्मा ने। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा ने भी इस आंदोलन का इनके जेल जाने पर जो है संचालन किया था और 6 महीने के पुत्र के साथ में जेल गई थी नारायणी देवी वर्मा। मैं साथ साथ व्यक्तियों को और महिलाओं को भी कवर कर रहा हूं तो ध्यान से सुन लेना। बलवंत सिंह मेहता प्रथम व्यक्ति जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किया, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति। ठीक है, इतना सा याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन के बारे में, जिसके अंदर आ जाएगा भाई जोधपुर जैसे, मैं से मेवाड़, मैं से माणिक्यलाल वर्मा, जैसे जोधपुर, जैसे जय नारायण व्यास, ये इसके हो गए संस्थापक। इसके अध्यक्ष रहे भंवरलाल सराफ, इसके अध्यक्ष कौन रहे? भंवरलाल सराफ। जय नारायण व्यास वही है जिनका नाम लक्कड़ और कक्कड़, शेर शेर राजस्थान, धुन का धनी, ये सारे नाम इनके हैं। मारवाड़ की दशा और पोपा भाई पोल ये इसने लिखे थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, कुछ इंपॉर्टेंट जो बच रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि कुछ ऐसी रियासत थी, कुछ ऐसी रियासत थी जिनकी स्थापना राज्य से बाहर हुई। ठीक है, राज्य से बाहर हुई, उसमें एक है आपकी सिरोही, एक आपका बीकानेर और एक आपका भरतपुर। ठीक है, तो सिरोही राज्य की स्थापना किसने की? गोकुल भाई भट्ट ने, गोकुल भाई भट्ट ने स्थापना की। कहां पर? मुंबई में। ठीक है, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी कहा जाता है। बीकानेर की स्थापना मक्काराम वेद ने कलकत्ता में, कहां? कलकत्ता में। भरतपुर की किशनलाल जोशी ने, किशनलाल जोशी ने कहां पर की भाई? रेवाड़ी, रेवाड़ी कहां पर है? हरियाणा। सिंपल सा याद रख लेना। अब कुछ इंपॉर्टेंट के और बता देता हूँ संस्थापकों ने, बूंदी और किशनगढ़ के कांतिलाल चौधरी, दोनों के कांतिलाल चौधरी हो जाएगा, कांतिलाल चौधरी। ओके ठीक है, बूंदी और किशनगढ़ के कांतिलाल चौधरी। अब एक और बता दो, जैसे कि धौलपुर, धौलपुर का ज्वाला प्रसाद जौहरीलाल, ज्वाला प्रसाद और जौहरीलाल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको सारे बता दिए गए हैं। एक आप याद रखना भाई, हाड़ोती और कोटा वाला, हाड़ोती और कोटा वाला,
पंडित नैनू राम शर्मा, ठीक है। इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट सारे हो गए, कौन सा बचा है, सारे हो गए लगभग। चलो अपना प्रजामंडल आंदोलन पूरा हुआ, अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से इन प्रजामंडल आंदोलन के दौरान समाचार पत्र और विभिन्न प्रकार की सभा के बारे में, ठीक है। तो ध्यान से सुन लीजिए, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। सभा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो सभा है वो है आपकी मतलब संस्था के अंदर राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 के अंदर वर्धा महाराष्ट्र में हुई और 1920 के अंदर जो है इसको अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। इसकी स्थापना किसने की, विजय सिंह पथिक, जिसका मूल नाम भूप सिंह गुजर, यूपी के बुलंद शहर के रहने वाले व्यक्ति, जिनको राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक माना जाता है। आगे बढ़ेंगे तो ये विजय सिंह पथिक ने इनकी स्थापना की, इसके साथ में इनके साथ अर्जुन लाल सेठी भी थे। तो इंपॉर्टेंट है भाई, राजस्थान सेवा संघ 1919 में वर्धा में स्थापित किया, 1920 में अजमेर में लाया गया विजय सिंह पथिक के द्वारा। इससे पहले 1918 में एक और आती है, राजपुताना मध्य भारत सभा। इसकी स्थापना किसने की, जमना लाल बजाज ने। वही जमना लाल बजाज जिन्हें गांधी जी के पांचवे पुत्र कहा जाता है, और अंग्रेजों द्वारा राज बहादुर की उपाधि जो इनको दी गई थी उसको उन्होंने वापस लौटा दी थी, ठीक है। और इसकी स्थापना कहां पर हुई, दिल्ली के चांदनी चौक में, ठीक है। और वहीं पे इनका प्रथम अधिवेशन भी हुआ था। अब इसके अलावा एक आती है आपकी वीर भारत समाज। तो वीर भारत समाज की स्थापना 1910 में विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा ने की, समझ आ रहा है। एक आती है संप सभा की स्थापना 1883 में गोविंद गिरी ने की थी, ठीक है। इसके अलावा एक मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना चांदवल सुराणा ने 1920 में, और मारवाड़ हितकारी सभा की स्थापना 1923 में जयनारायण व्यास में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, चांदवल सुराणा रहे थे। यह महत्वपूर्ण सभा। एक नागरी प्रचारिणी सभा जिसकी स्थापना धौलपुर के अंदर ज्वाला प्रसाद और जौहरीलाल ने की थी, ठीक है। अब कुछ हम इंपोर्टेंट समाचार पत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। समाचार पत्र जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है वो है नवीन राजस्थान की स्थापना जो है वो की गई 1921 में अजमेर में, ठीक है। 1921 में अजमेर में की गई नवीन राजस्थान स्थापना किसने की, इसके जो संपादक है वो कौन है, विजय सिंह पथिक ने स्थापना। इसके जो प्रकाशक है वो राम नारायण चौधरी है, और इसके जो व्यवस्थापक है व्यास जी, यानी कि जय नारायण व्यास, ओके। अब 1923 में क्या हुआ, कुछ प्रतिबंधों की वजह से इस नवीन राजस्थान का नाम का बदल करके तरुण राजस्थान रखना पड़ा। तो इसका नाम क्या रख दिया, तरुण राजस्थान रख दिया 1923 में बदल करके। तो यही सेम है, इससे पहले यानी कि 1921 में ये बनी थी, 1920 में एक और समाचार पत्र निकला था विजय सिंह पथिक ने, राजस्थान केसरी। तो राजस्थान केसरी भी विजय सिंह पथिक ने निकाला था इससे एक साल पहले। इसके अलावा अब आपको याद रखना है, प्रथम समाचार पत्र जो हिंदी का साप्ताहिक समाचार पत्र था, सज्जन कीर्ति शुद्धाकर पंडित बंसीधर वाजपेयी की अंडर में। उसके अलावा राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र आता है आगीवान जयनारायण व्यास ने 1932 में निकाला। उसके बाद में आपके आते हैं कौन से समाचार पत्र, 1913 कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार गणेश शंकर विद्यार्थी ने निकाला। तो ये समाचार पत्र आपको याद रखने हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप बहुत फास्ट बोल रहे हैं, अब मैं अगर धीरे धीरे मुन्ना लाला करके पढ़ाऊं तो कब पूरा होगा, नहीं होगा ना। तो अभी हमने प्रजामंडल आंदोलन, समाचार पत्र, विभिन्न संस्था पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे जो है विभिन्न प्रकार के किसान आंदोलन। देखिए किसानों ने आंदोलन क्यों किया, किसानों ने आंदोलन इसलिए किया कि उस समय के जो जागीरदार है, सामंत है, राजा लोग हैं, वो क्या है किसानों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर रहे थे। यानी कि इतना ज्यादा अत्याचार बढ़ गया था, मतलब अत्याचार करने का बहुत ही ज्यादा कर वसूलते थे, ठीक है। जिसमें खिचड़ी लाग अखराई, खिचड़ी लाग क्या होता है कर के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। खिचड़ी लाग क्या होता है, कोई भी राजा की जो सेना है जिस गाँव के नजदीक आएगी उस गाँव वालों को वसूली की जाती थी, ठीक है। अखराई और पावना पावरा, ठीक है। इसके अलावा चूड़ा लाग, मतलब ठकुरानी जब नया चूड़ा पहनती थी तो चूड़ा लाग होता था, ठीक है। कोई भी श्रमजीवी जो व्यवसाय करते थे उनको जो है कर लगता था अखराई, ठीक है। पावना पावरा मेहमान आने पर, ठीक है। तो ये सारे कर लगते थे, इनसे परेशान होकर के इन्होंने आंदोलन किया। तो सबसे पहले जो किसान आंदोलन है वो बिजोलिया का किसान आंदोलन है, ठीक है। बिजोलिया की स्थापना जो है, बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा में, इसकी स्थापना 1510 के अंदर
राणा सांगा के समय राव अशोक परमार ने की, ठीक है। इसकी स्थापना राणा सांगा के समय राव अशोक परमार ने 1510 में की। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का संगठित किसान आंदोलन है, सर्वप्रथम संगठित किसान आंदोलन माना जाता है। ये राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला या विश्व का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है, 44 साल तक चला था। 1897 से लेकर 1941 तक, यानी कि 44 साल तक चला। लेकिन मजे की बात यह है कि यह पूर्णतः हिंसात्मक आंदोलन था, एक भी हिंसा नहीं हुई। इसके बिजोलिया किसान आंदोलन के जो जनक है वो साधु सीताराम दास को माना जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है? साधु सीताराम दास। लेकिन राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक जो है विजय सिंह पत्ती को माना जाता है, ठीक है। अब साधु सीताराम दास जो है इन्होंने 1913 से 1916 तक कार्यभार संभाला, और 1916 में ये जो विजय सिंह पत्ती के जो है प्रभावित होकर के 1916 में इसका कार्यभार या नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पत्तिक ने किया, ठीक है। विजय सिंह पत्तिक ने इनका नेतृत्व किया। और 1917 के अंदर इन्होंने उपरमाल पंचायत बोर्ड की भी स्थापना की, विजय सिंह पत्तिक ने 1917 में उपरमाल किसान पंचायत बोर्ड की। तो यहां तक आपको याद हो गया। अब इसके अंदर जो बिजोलिया किसान आंदोलन सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान थे, इसलिए रूपा जी और यहां पर दो व्यक्ति हैं, नानजी और ठाकरी पटेल, दोनों को याद रखना, नानजी और ठाकरी पटेल। इनको भेजा गया महाराणा फतेह सिंह के पास जागीरदारों की शिकायत हेतु, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। तो ये बिजोलिया आंदोलन के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? बेंगू का। बेंगू कहां पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। और इसका नेतृत्व किया राम नारायण चौधरी, ठीक है, राम नारायण चौधरी, जिनकी पत्नी अंजना देवी चौधरी ने सर्वप्रथम जो है जेल के अंदर गिरफ्तारी दी थी, 6 महीने की जेल हुई थी, ठीक है। तो ये बेंगू चित्तौड़गढ़ में है। अब याद रखना भाई, इसके अंदर तीन चीजें याद रखनी, एक तो बोलशेविक समझौता, यानी कि राजा और प्रजा के बीच में कुछ समझौता हुआ था, लेकिन अंग्रेजों ने उसको बोलशेविक समझौता घोषित कर दिया। बोलशेविक क्या है? सर्विकों के बहुमत के आधार पर लिया गया फैसला, ठीक है, तो वो बोलशेविक समझौता है। एक यहाँ पे ट्रेंच आयोग का गठन कर दिया गया था, ट्रेंच आयोग का गठन। ये आंदोलन जो है ये 1921 से 1925 तक चला था, और ट्रेंच आयोग का गठन कर दिया गया था कब? 13 जून 1923 को, याद रखना, ठीक है। और उसी दौरान ट्रेंच आयोग के सैनिकों द्वारा इसके अंदर दो व्यक्ति शहीद हो गए थे, रूपाजी एवं करपाजी धाकड़, ठीक है। ये इतना सा याद रखना भाई बेंगू किसान आंदोलन। बूंदी के बारे में पढ़ते हैं, बूंदी किसान आंदोलन के बारे में इतना सा याद रखना है, बूंदी किसान आंदोलन के बारे में क्या याद रखना भाई? ये चला था 1921 से 1923, ठीक है, और इसके अंदर एक हत्याकांड हुआ था, डाबी हत्याकांड। ये जो डाबी हत्याकांड हुआ था, ये कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 को। इसके अंदर एक नानक भीर नामक व्यक्ति थे और एक देवीलाल गुज्जर दो व्यक्ति थे। नानक भीर जो है ये झंडा गीत गाकर के किसानों में, ये दोनों शहीद हो गए थे, ठीक है, इसमें ये दोनों शहीद हो गए थे। नानक भीर क्या कर रहे थे? झंडा गीत गाकर के किसानों में जोश पैदा कर रहे थे, और ये दोनों शहीद हो गए। उसके बाद माणिक्यलाल वर्मा ने जो है अर्ची गीत गाकर के इसको जो है इसका विरोधाभास जताया, तो ये आपको याद रखना। उसके बाद में हम पढ़ेंगे भाई अलवर किसान आंदोलन, ठीक है। तो अलवर में दो किसान आंदोलन, एक मेयो और एक राजपूत, ठीक है। मेयो किसान आंदोलन जो है 1921 से 34 तक चला था, जबकि यह सिर्फ 1925 में चला था। मेयो किसानों ने आंदोलन क्यों किया? सुअर जो है वो किसानों की फसल नष्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको मार नहीं सकते, उन पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, तो इससे परेशान होकर के इन्होंने नेतृत्व किया। मोहम्मद अली और चौधरी यासीन खान ने इसका नेतृत्व किया। राजपूतों ने आंदोलन क्यों किया? यहाँ पे इजारा पद्धति चल रही थी, यानी कि जो ज्यादा भूमि का इजारा दे देगा, बोली लगती थी उसकी भूमि हो जाती थी, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने नेतृत्व किया। यहाँ पे एक हत्याकांड हुआ था, निमोचना। तो दोस्तों निमोचना हत्याकांड सबको पता है 14 मई 1925 को हो गया था, ठीक है, और गांधी ने इसको जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया, दोहरी डायरसाई का नाम भी दिया गया। अब हम पढ़ेंगे सहकारिता किसान आंदोलन के बारे में, ठीक है। तो सहकारिता किसान आंदोलन ये कब चला था, ये आपको बता दिया, 1921 से 34 तक चला था, ये 1925 में चला था, ठीक है। सहकारिता किसान आंदोलन 1931 से 34 तक चला था। इसमें हरलाल सिंह खरा की जो पत्नी है किशोरी देवी, उन्होंने सीकर जिले के कठरातल गाँव में एक बहुत ही बड़ा जाट किसान महिलाओं का आंदोलन किया, ये हुआ 25 अप्रैल 1934 को, ठीक है, जिसमें 10,000 जाट किसान महिलाओं ने भाग लिया था, ये आपको याद रखना है सहकारिता के बारे में।
उसके बाद में मारवाड़ किसान आंदोलन आता है, जिसके अंदर आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि ये माप तोल से संबंधित आंदोलन था, कुछ ऐसा था कि भाई एक शेर में हम 100 तोला रखेंगे 80 की जगह, ऐसा कुछ आंदोलन था, ठीक है, तो माप तोल से संबंधित है। और डाबरा हत्याकांड भी इसी के अंदर हुआ था, ठीक है, आपको याद रखना भाई डाबरा हत्याकांड भी इसी के अंदर हुआ था। अब हम बात करेंगे दूधवा खारा किसान आंदोलन की, तो वो भी बीकानेर से संबंधित है, ठीक है, बीकानेर में चूरू के निकट एक गांव है उससे संबंधित है, और इसमें बीकानेर षड्यंत्र भी हुआ था। अब हम बात करेंगे भाई जनजातीय आंदोलन, कौन कौन से जनजातीय आंदोलन हुए, ठीक है, कौन कौन से जनजातीय आंदोलन हुए। तो जनजातीय आंदोलन में दो व्यक्ति थे, जनजातीय आंदोलन के दौरान दो व्यक्ति थे, दोनों के बारे में हमें पढ़ना है, एक गुरु गोविंद गिरी और एक आपके मोतीलाल तेजावत, दोनों के बारे में पढ़ना है, बहुत ही आसान है। गुरु गोविंद गिरी जो है वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1883 के अंदर संप सभा की स्थापना की। इनका जन्म 1858 में बेदसा गांव डूंगरपुर के अंदर हुआ। 1900 ईस्वी के अंदर अकाल पड़ा और उसमें इनकी पत्नी और बच्चों की मृत्यु हो गई। फिर दयानंद सरस्वती की प्रेरणा लेकर ये जनजाति और भीलों को जो है राजनीतिक जागृति की चेतना करने के लिए जो है ये खड़े हुए। जनजाति आंदोलन के अंदर गुरु गोविंद गिरी, आपको याद रखना ये है कि इन्होंने भक्त आंदोलन की स्थापना की, संप सभा की स्थापना की 1883 में, और इससे संबंधित मानगढ़ हत्याकांड भी है। मानगढ़ हत्याकांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 17 नवंबर 1913 की बात है। मानगढ़ पहाड़ी जो गुजरात और बांसवाड़ा की सीमा पर है, हजारों भील जो है वो संप सभा के वार्षिक अधिवेशन पर मीटिंग कर रहे थे, अंग्रेजों ने घेर करके अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी और इसमें लगभग 1500 भील शहीद हो गए और गुरु गोविंद गिरी को अहमदाबाद जेल में डाल दिया गया। बस इतना सा याद रखना है इसमें, गुरु गोविंद गिरी का जन्म 1858 में बेदसा गांव डूंगरपुर जिले के अंदर हुआ। उसके बाद में इन्होंने जो है जगह जगह पे धूनी स्थापित की, इन्होंने भक्त पंथ चलाया और इनके जो रखवाले हैं वो कोतवाल या भक्त कहलाते हैं धूनी के। बाकी मानगढ़ हत्याकांड याद रखना। मोतीलाल तेजावत का जन्म जो है कोलियारी झाड़ोल उदयपुर में हुआ, कोलियारी झाड़ोल गाँव है उदयपुर के अंदर, वहां पे हुआ, ठीक है। इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया, याद रखना भी, इन्होंने एक ही आंदोलन की शुरुआत की जिसको भौमट भील आंदोलन भी कहते हैं। एक ही आंदोलन की शुरुआत जो है इन्होंने चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया नामक स्थान से की, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है, वहां से इन्होंने इसको स्टार्ट किया और उदयपुर में इसको स्टार्ट झाड़ोल और फालसिया गाँव से किया। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों के मसीहा या मेवाड़ के गांधी या बाऊजी के नाम से जाना जाता है। अब एक छोटा सा और है मीना से संबंधित। मीना ने एक कानून आया था, जयपुर राज्य जरायम पेशा कानून 1930, ठीक है, ये आया था। इसके अंदर क्या होता है, 12 वर्ष से ऊपर जिस जो भी है उसको निकटवर्ती थाने में हाजिरी देने जाना पड़ता है। फिर 1952 में इसको भी रद्द कर दिया गया। तो ये थे हमारे किसान और जनजाति आंदोलन। अब कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जो बच गए जिनके बारे में हमने बात नहीं की, उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि अर्जुनलाल सेठी। तो अर्जुनलाल सेठी जो है इन्होंने 1907 में वर्धमान विद्यालय खोला जयपुर में, जहां पर क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। जोरावर सिंह भारत और प्रताप सिंह भारत ने यहीं से ट्रेनिंग ली थी। और ये हम बात करें तो राजस्थान में सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना देने वाले व्यक्ति माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में केसरी सिंह बारट के बारे में बात करूं तो ये शाहपुरा देवपुरा गांव के शाहपुरा भीलवाड़ा के रहने वाले थे। और ये जो केसरी सिंह बारट थे, इन्होंने चेतावनीला चुंगटिया नामक 1300 लिखे डिंगल भाषा में, क्योंकि ये चारण जाति के थे तो डिंगल भाषा में लिखे थे। और महाराणा फतेह सिंह का स्वाभिमान जगाया जब इनको अपने पुत्र की शहादत का समाचार मिला, तो इन्होंने कहा कि मैं आज खुश हूँ कि भारत माँ का पुत्र जो है उसकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया। राज बिहारी बोस ने इनके बारे में कहा कि केसरी सिंह बारट एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनका पूरा परिवार जो है वो क्रांति के लिए लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इनके जो पुत्र थे प्रताप सिंह बारट वो भी क्रांति में थे, इनके भाई थे जोरावर सिंह बारट वो भी क्रांति में थे। जोरावर सिंह बारट जो है इन्होंने दिल्ली के जो चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग का जुलूस निकल रहा था उस पर बम फेंक दिया और ये भाग गए और आज जीवन पकड़ में नहीं आए। जीवन के अंतिम समय में ये अमरदास बेरा की बनकर एकलगढ़ में रहे थे। प्रताप सिंह बारट जो केसरी सिंह बारट के पुत्र थे, इनको जब यातनाएं दी गई, इनको जब बरेली जेल में यातनाएं दी गई, तो इनको जो है कहा गया कि तुम्हारी माँ रो रही है, तो इस समय इन्होंने जवाब दिया कि मैं मेरी माँ को चुप कराने के लिए हजारों माओं को नहीं रुला सकता। ऐसे हमारे उसके